फ्रेंड्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वेलकम्स यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक अ न्यू बिजनेस यूनिट आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है कि किसी जब नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो हमें उन सारे स्टेप्स को डिस्कस करना है मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को टोटल इलेवन स्टेप्स में डिवाइड किया है तो स्टेप बाई स्टेप हम बिजनेस नई बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करते हैं पहला स्टेप स्टेप क्या है द फर्स्ट जेनरेशन आइडिया जनरेशन किसी भी नए बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने में सबसे पहली स्टेज होती है सबसे पहला स्टेप होता है ये और आइडिया कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपरली वर्क कर सके क्योंकि हम बहुत सारे आइडियाज पर वर्क करते हैं तो हम उन आइडियाज में से केवल और केवल उन पर्टिकुलर आइडियाज को फॉलो करते हैं या सेलेक्ट करते हैं जो प्रॉपरली वर्कआउट कर सके या जिनमें किसी बिजनेस में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट करने के लिए एक एंटीप्रीन्योर को मार्केट एनवायरमेंट में होने वाले रेगुलर चेंजेस पर एक क्लोज आई रखनी जरूरी है एक क्लोज वॉच क्लोज वॉच रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में उसे पता चलता रहता है और उसके बेसिस पर एनवायरमेंट में या मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होती है तो उसके बेसिस पर वो उस को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है जिससे कि वो फ्यूचर में मैक्सिमम प्रॉफिट कंडीशंस को फॉलो कर सके आपने आइडिया जनरेट कर लिया स्टेप वन में देन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दिस द स्टेप नंबर टू स्टेप टू क्या है नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि स्टेप में आपको बिजनेस के नेचर को डिफाइन करना होता है यानी कि आप किस पर्टिकुलर बिजनेस में मूव करने जा रहे हो यह आपको डिसाइड करना होता है स्टेप नंबर में जैसे टाइप ऑफ बिजनेस 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 वेदर यू आर गोइंग फॉर होलसेल रिटेल को स्टार्ट कर रहे हो या फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हो या ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ओपन करना चाहते हो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ऑफर करना चाहते हो आप प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हो या सर्विस ऑफर करना चाहते हो या उनका एक मिक्स ऑफर करना चाहते हो किस सेक्टर में आप वर्कआउट करना चाहते हो एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हार्डवेयर सेक्टर में सॉफ्टवेयर सेक्टर में फैशन सेक्टर में या किसी और सेक्टर में वो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड करना होता है इसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि जिस बिजनेस को आप चूज कर रहे हो जिस पर्टिकुलर बिजनेस को आप फॉलो करने जा रहे हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उसके साथ में कितना रिस्क जुड़ा हुआ है एसोसिएटेड रिस्क कैलकुलेट करना होता है इसके साथ साथ आपको देखना होता है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें रिसोर्सेज की इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इनपुट्स की इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और मैन पावर की इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ओके okay. इसके साथ साथ आपको यह देखना होता है कि जो बिजनेस आप फॉलो करने जा रहे हो उसकी आपको एक फिजिकल स्टडी फॉलो करनी होती है और उसके साथ में जितने भी प्रोज एंड कॉन्स अटैच होते हैं उनको प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है जिससे कि फ्यूचर का रिस्क आपका बिल्कुल ही फिनिश हो जाए इसके साथ साथ जब आप आपको एक बिजनेस प्लान को भी प्रिपेयर करना होता है जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो इसका मतलब आप नेचर ऑफ बिजनेस के साथ में क्लैरिफाई हो जाते हो नेचर ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद यू मूव टू द थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हो आपको बहुत डिटरमाइन करना होता है कि किस पर्टिकुलर साइज के साथ में और कितने स्केल ऑफ उप ऑपरेशन के साथ, साथ आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर बिजनेस में कितनी सेल्स को जनरेट किया जा सकता है हाउ मच सेल्स कैन बी जनरेटेड एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट डर दैट पर्टिकुलर बिजनेस यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट और इस पर सोल्व करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स को फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पर फ्यूचर में उस पर्टिकुलर बिजनेस में अराइज होने वाली डिमांड्स को प्रॉपरली कैलकुलेट किया जा सकता है दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो आप फॉलो करना चाहते हो उसके लिए आपको यह चेक करना होता है कि आपके पास कितनी कैपिटल एवेलेबल है और कितने अदर रिसोर्सेज एवेलेबल है क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप स्मॉल स्केल लेवल पर स्मॉल स्केल पर या मीडियम स्केल पर या लार्ज स्केल पर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना चाहते हो जितनी कैपिटल आपके पास अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करोगे एक बार इसको डिसाइड करने के बाद देन यू मूव टू द फोर्थ स्टेप दिस इज सेलेक्ट अ प्लेस फॉर बिजनेस यानी कि यहां पर आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना होता है किस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करोगे जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पिकअप करते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे जैसे कि जो प्लेस है, है उससे जितने भी इनपुट है उनकी चाहिए. कि आपको जो भी inputs, और चाहिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो आपकी लोकेशन से नियर बाई प्लेसेस पर अवेलेबल होने चाहिए जिस प्लेस पर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो वहां मैन पावर की ट्रांसपोर्टेशन की और अदर सर्विसेज की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए जैसे कि बैंकिंग कम्युनिकेशन पावर सप्लाई क्योंकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज हैं जब ये बिजनेस के लिए अवेलेबल होती हैं तो आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली मिनिमम लेवल तक हो जाती है अगर ये आपके लोकेशन वाले पॉइंट पर अवेलेबल होती हैं तो अदरवाइज इनको अवेलेबल करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको चेक करना जरूरी होता है जब आप लोकेशन को डिसाइड करते हो एक बार आपकी लोकेशन डिसाइड हो जाती है देन यू मूव टू द द द नेक्स्ट स्टेप स्टेप दिस चूज फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ अब आपको ये देखना होता है कि, कि किस के साथ में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस के अंदर चार फॉर्म्स होती हैं सोल प्रोपाइडरशिप पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सिंगल बेसिस पर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो रन करना चाहते हो तो आपके लिए सोल प्रॉपर्टीप सफिसिय है अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन सोल प्रॉपर्टीप से ज्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट है तो आप पार्टनरशिप को फॉलो कर सकते हो जिसमें कम से कम दो पर्सन और मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट एसोसिएट होकर कंबाइन होकर डिफरेंट कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फॉलो कर सकते हो जब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज होता है

आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल नीड्स को के लिए कितना अमाउंट चाहिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में इन प्रेजेंट और फ्यूचर नीड को देखते हुए आप अपने बिजनेस के फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो मेजर करते हो और इसके साथ साथ देखते हो कि इस फंड को आप कहां से अवेलेबल कर सकते हो सोर्सेज ऑफ फंड आप फॉलो करते हो इसको भी पहले से ही कैलकुलेट करना आ, आ, पहले से ही कैलकुलेट करना ये इजी हो जाता है आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को फॉलो को करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को फॉलो करना चाहते हो ये भी आपको देखना होता है आपको देखना होता है कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे बैंक फाइनेंसिंग है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग है इक्विटी कैपिटल फाइनेंसिंग है ऐसे बहुत सारे सोर्स सोर्स ऑफ़ ऑफ़ फाइनेंसिंग 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 इन में से कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे? ये भी आपको यहाँ करना होता है आपको रिक्वायर्ड होती हैं उन फिजिकल फैसिलिटीज को यहां आप प्लान करते हो जैसे आपको मशीन की रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री ऑफिस डिजाइन फर्नीचर स्पेस प्लानिंग स्पेयर पार्ट्स स्पेस नीड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट तो जो भी आपको फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है उसको इस स्टेप में आप प्लान करते होके प्लान okay, करने के बाद प्लान कर लिया है अब एक अप्रोप्रियट लेआउट को आप देखते हो कि किस लेट को फॉलो करते हुए आपको अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना है प्लांट ले के लिए डिफरेंट टाइप्स है जैसे प्रोडक्ट ऑनलाइन लेआउट प्रोसेस ऑफ फंक्शनल ले फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कॉम्बिनेशन लेआउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नेचर के बेसिस पर आप डिफरेंट लेआउट को फॉलो करते हो जैसे अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है और जहां प्रोसेसिंग एक मशीन से शुरू होती है देन देन सेकंड मशीन मशीन थर्ड एंड फाइनली टू द लास्ट मशीन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ऑप्टेंड तो यहां मशीनरीज क्या होती है एक पर्टिकुलर लाइन में सेट होती हैं और एक तरफ आप रॉ मटेरियल ऐड करते हो और लास्ट में आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप मास लेवल पर प्रोडक्शन को पॉसिबल कर सकते हो तो हम इस लेआउट को बोलते हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट जैसे कोई भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो प्लांट लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो करती है ओके okay? जहां आप डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाते हो ठीक है और प्रोडक्ट को मूव करते हो प्रोडक्ट के पार्ट्स को मूव करते हो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट से दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट में तो वो कहलाता है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट इसी तरीके से ये आपके प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जितने भी आपके एयर कंडीशनर्स हैं 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 या रेफ्रिजरेटर्स ये ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके लिए हम प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट का यूज करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है इसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट लेआउट को सिलेक्ट करना होता है लेआउट सिलेक्ट हो गया उसके बाद आप मूव करते हो नेक्स्ट स्टेप पर दिस इज डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट अब यहां आपको कैलकुलेट करना होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है लेबर दो टाइप की होती है एक स्किल्ड लेबर और दूसरी अनस्किल्ड लेबर जितने भी मैनेजर लेवल के वर्क है जहां की होती है, वो वो आपकी फॉलो करेगी और जहां आपको गुड्स को कैरी करना है या जिसमें फिजिकल वर्क फॉलो करना है गुड्स के रेफरेंस में वहां आपको अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां पर आप क्या करते हो अपने डिपार्टमेंट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हो फिर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो उसके बाद उसमें जॉब्स को क्रिएट करते हो ये देखते हो कि हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पर आप कंप्लीट वर्क कंप्लीट स्किल्ड लेबर की कैलकुलेशन को फॉलो करते हो और रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन कर लेते हो इसी तरीके से अनस्किल्ड लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको भी आप इस फेज में डिटरमाइन कर लेते हो क्लियर एवर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है देन यू मूव टू द स्टेप नंबर टेन कीप एन आई ऑन लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स अब आप ये देखते हो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उन लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप अरेज करते हो ऑल अप्रूवल एंड सेंक्शन मस्ट बी ऑप्टेंड वैल इन एडवांस इसको भी आपको पहले ही ऑप्टेंड करना जरूरी होता है जितने भी अप्रूवल्स हैं जितने भी सेंक्शन है उन सबको पहले ही ऑप्टेंड करना दैट इज हाईली रिक्वायर्ड जितने भी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है या जरूरत होती है वो हम क्या कर सकते हैं वो हम एक्सपीरियंट एक्सपीरियंस पर्सन से फॉलो करा सकते हैं इनको हम हायर कर सकते हैं और हायर करके इन पर्टिकुलर पर्सन से हम सारे पेपर वर्क को कंप्लीट करा सकते हैं इसके साथ साथ हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं जिससे कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है हमारी वो सब कंप्लीट हो सके और बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें आगे कोई भी दिक्कत ना हो एवं सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाते हैं